इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे courses, के साथ अवेलेबल में तो आज ही गूगल प्ले स्टोर ऐसी हमारे डाउनलोड कीजिए यू जी सी नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनीवेयर हेलो स्टूडेंट्स इन दास्ट वीडियो डियो वी विल सॉल्व प्रॉब्लम ऑन हाफ व्योर व्यक्तिफायर सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाफर व्यक्तिफायर यूजेस डायोड विथ आर एफ इज इक्वल टू फिफ्टी ओम सो आर एफ आपको गिवन है हाफ योर व्यक्तिफायर के लिए दैट मीन्स डायोड का फॉरवर्ड रजिस्टेंस फिफ्टी ओम एंड आपको गिवन है कि जो ट्रांसफॉर्मर है ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो है फाइव रेस टू वन एंड आपको गिवन है कि लोड रेजिस्टेंस आर एल वन किलो ओम है ठीक है और आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ये आपको गिवन है टू ट्वेंटी वोल्ट और साथ ही साथ ये गिवन है कि ये आर एम एस वैल्यू है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है फिफ्टी हर्ट्स। तो ये जो आपका 220 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्ज है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या क्या पूछा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डीसी आउटपुट वोल्टेज सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है डीसी आउटपुट करंट। ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है डीसी डायोड वोल्टेज देन फोर्थ क्वेश्चन डीसी डायोड करंट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है एसी आउटपुट वोल्टेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एसी आउटपुट करंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा हुआ है इनपुट पावर सो आपको इनपुट पावर कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट पावर सो आउटपुट पावर भी कैलकुलेट करना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अफिशियंसी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है रिपल फैक्टर एंड आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे यहां पर पूछा हुआ है वो पूछा है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर तो इतने सारे क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा हुआ है ठीक है तो हमें वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको वैल्यूज गिवन है वो गिवन है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देन टर्न्स रेशियो लोड रेजिस्टेंस एंड देन प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज आरएमएस में और फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स तो अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में जाए तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए हम यह कैलकुलेट कर लें कि वी आई की वैल्यू क्या होगी मीन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा ठीक है तो फॉर अ ट्रांसफॉर्मर हमें पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज दैट मीनस वी वन बाय वी टू क्या होता है आपका एन बाय वन दैट मीन्स टर्न्स रेशियो तो यहां पर वी वन बाय वी टू जो है वो क्या हो जाएगा फाइव बाय वन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो बेसिकली वी टू क्या है आपका वी आई है जो कि आपका क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज तो वी आई या वी टू जो आपको निकालना है वो क्या होगा आप देख सकते हैं वी वन डिवाइडेड बाय फाइव दैट मीनस टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव तो यहां पर जो आपका RMS वैल्यू है वी आई का आर एम एस वैल्यू ठीक है ना इसे भी आप आर एम एस ही लिख दीजिए क्योंकि 220 ट्वेंटी वोल्ट आपकी आर एम एस है तो जो आपका वी आई है वो भी किस में होगा आर एम एस में होगा दैट मीन सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है उसकी आपको आर एम एस वैल्यू मिल जाएगी ये कितना हो जाएगा हमारा 44 वोल्ट ठीक है नाउ हमें अब अच्छे से पता है कि आर एम एस वोल्टेज के लिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है तो जो वी आर एम एस होता है हमारा वो क्या होता है वी एम बाय ठीक है ना हाफ हाफी के लिए जो करंट का RMS आया था वो आया था आई एम बाय टू लेकिन जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर करवाया था कि जो करंट है जो इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट भी है क्योंकि करंट एक लूप में हमेशा सेम होती है लेकिन जो वोल्टेज जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आ रहा है वो आपका प्योर प्योर एसी वोल्टेज है प्योर है साइन वेव तो उसकी जो आर वैल्यू होगी वो ऑलवेज वी एम बाई होगी मीन्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आता है वो हाफ वे और रियक्टिफाइड होके नहीं आता ठीक है ना सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के बाद आपका डायोड लगा होता है और फिर उसके बाद हाफ आउटपुट आपको मिलता है इसलिए करंट आई एम बाई टू होती है लेकिन जो वोल्टेज होता है वो वी एम रूट टू होता है नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा हमारे लिए वी आर एम एस तो आपको पता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वी एम तो ये जो पूरा सिनारियो था वी आर एम एस लिखने का वो सिर्फ इसलिए था जिससे कि हम वी एम कैलकुलेट कर पाए क्योंकि हमारे मैक्सिमम फॉर्मले वी एम और आई एम पर डिपेंड करते हैं तो यहां पर फोर्टी फोर आपका तो तो क्लियर है और हमने थ्योरी में स्टडी किया हुआ है कि आई एम जो होता है आपका वो होता है वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल तो यहां पर आपको एम भी मिल जाएगा 62.2 डिवाइडेड बाय आर एफ आर एफ आप देख सकते हैं 50 ओम है आर एल आपका 1 किलो ओम है ठीक है तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे 50 प्लस 1 किलो ओम दैट मींस 1000 तो 62.2 डिवाइडेड बाय 1050 जीरो ठीक है इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा तो बेसिकली हमने वीएम और आईएम कैलकुलेट कर लिया वीएम क्या है मैक्सिमम वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में और आईएम क्या है मैक्सिमम करेंट नाउ अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है डीसी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट तो आप देखिए जो आउटपुट करंट है ठीक है आई जो सेकेंड नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आईटीसी का हमारा फॉर्मूला क्या है आई एम अपॉन पाई ठीक है तो जैसा मैंने आपको बोला VM और IM बहुत सारे फॉर्मले में यूज होंगे तो आई एम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं सिक्सटी टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय वन जीरो फाइव जीरो तो यह आप लिख सकते हैं ठीक है और आपको डिवाइड बाय क्या करना है यहां पर पाई तो यह आपका आ जाएगा आईटीसी नाउ IDC निकालने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो तो ना इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको हाफ योर एक्टिव फायर की जो थ्योरी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की है बस आपको एक बार रिवाइज करनी है न्यूमेरिकल बहुत ईजी है ये तो आई ईडीसी आपने यहां लिख रखा है 62.2 डिवाइडेड बाय 1050 पाई इनटू आरएल आरएल कितना है हमारा 1000 ओम ठीक है तो यह हो जाएगा आपका वोल्ट नाउ नेक्स्ट आई और वीडीसी निकालने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका डीसी डायोड वोल्टेज तो डीसी डायोड वोल्टेज और डीसी डायोड करंट ये भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है डीसी डायोड वोल्टेज का जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है वो स्टडी किया है हाफ वे और माइनस वी अपॉन पाई ठीक है तो जो आपका वीएम है वी कितना है सिक्सटी तो यहां पर आप लिख देंगे माइनस सिक्सटी टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय पाई वोल्ट्स नाउ फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग डीसी डायोड करंट तो यहां पर एक्चुअल में डायोड और आरएल दोनों आपके सीरीज में ही होते हैं हाफ योर रेक्टिफायर के फिगर में तो जो आपका आई है वही आपका आई डीसी भी होगा क्योंकि जो डायोड से करंट फ्लो होगा वही तो आरएल से भी फ्लो होगा डीसी करंट तो बेसिकली जो आपने आई यहां पर कैलकुलेट किया है ठीक है ना वही आपका क्या होगा आई डी सी करंट सेम जाएगी आपकी क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है सेम होती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यह आपसे पूछा है एसी आउटपुट वोल्टेज और क्वेश्चन नंबर सिक्स है एसी आउटपुट करंट तो अब आपको फाइव और सिक्स की तरफ सोचना है एसी आउटपुट करंट एंड एसी आउटपुट वोल्टेज तो एसी आउटपुट करंट अगर मैं पहले सिक्स नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो वो हम लोगों ने स्टडी किया था आई डैश आर एम एस ठीक है तो आई डैश आर एम एस जो हमारा फॉर्मूला था वो था आपका आर रिपल फैक्टर ठीक है इन टू आई डी सी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रिपल फैक्टर स्टडी किया था बेसिकली आपका रिपल फैक्टर क्या था आई डैश आर एम एस अपॉन आई डी सी तो अगर आपको आई डैश आरएमएस चाहिए तो रिपल फैक्टर इंटू आईडी आपको परफॉर्म करना होगा ठीक है तो यहां पर आई डैश आर एम एस जो आपका हो जाएगा रिपल फैक्टर हाफ के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था थ्योरी में 1.21 वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में ठीक है तो 1.21 और आई डी सी आप ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं ठीक है ना तो उसको आप यहां पर पुट कर सकते हैं 62.2 डिवाइडेड बाय 1050 पाई ठीक है एम्पियर तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा आई डैश आर एम एस नाउ आई डैश आर एम एस के कैलकुलेशन के बाद अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर एसी आउटपुट वोल्टेज दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव वी डैश आर एम एस तो डैश आर एम एस का हमारा फॉर्मूला क्या था v डैश आर एम एस के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक ऑप्शन तो यह है कि आप यहां पर अगेन रिपल फैक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए रिपल फैक्टर इंटू वीडीसी जैसा आपने यहां पर लगाया था रिपल फैक्टर इंटू आई डी सी तो वीडीसी आपका कितना आया था देख सकते हैं आप लोग सिक्सटी टू पॉइंट टू डिडेड बाई तो रिपल फैक्टर 1.21 पॉइंट टू वन हाफ योर के लिए फिक्स वैल्यू है ठीक है 1050 पाई 1000 या एक और तरीका क्या था कि आपको पता है कि ये एसी आउटपुट वोल्टेज आप निकाल रहे हैं सी बात है आउटपुट चाहे एसी हो चाहे डीसी हो होगा किसके अक्रॉस आरएल के अक्रॉस तो वी डैश आर आप ये भी लिख सकते थे डायरेक्टली आई डैश आर एम एस इंटू आर एल तो आई डैश आर एम एस देख सकते हैं आप ये आ रहा है ठीक है इन आर एल करेंगे तो वन थाउजेंड सेम आंसर आ जाएगा आपका तो आप कोई भी फॉर्मुला यूज कर सकते हैं आंसर आपका सेम रहने वाला है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो यहां पर आपसे पूछा है इनपुट पावर एट में पूछा है आउटपुट पावर और नाइन में पूछा है एफिशिएंसी तो ये तीनों क्वेश्चन एक्चुअल में रिलेटेड ही हैं तो सेवन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इनपुट पावर तो इनपुट पावर हम लोगों ने जो फॉर्मूला स्टडी किया था इनपुट पावर का वो किया था आई स्क्वायर आर एम एस इन टू आर एफ प्लस आर एल ठीक है तो यहां पर आई आर एम एस का फॉर्मूला हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था आई एम बाई टू तो आई एम बाई टू का स्क्वायर प्लस आर एफ प्लस आर एल ठीक है क्लियर है अच्छे से नाउ ये जो आपका आई एम है आई एम कितना आया है हमारा आई एम हमारा आया है यहां पर सिक्सटी टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय वन जीरो फाइव जीरो ठीक है तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं सिक्सटी टू पॉइंट टू वन जीरो फाइव जीरो क्लियर इनटू टू नाउ आरएफ आर एफ आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 ठीक है इन टू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 1000 क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आपका आई स्क्वायर आर था तो आई एम टू का होल स्क्वायर इन टू प्लस आर ठीक है यहां पर साइन कौन सा होगा आपका प्लस का होगा तो बेसिकली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं पी इन का तो यहां से आपको पी इन मिल जाएगा वॉट में ठीक है नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर एट वो आपसे पूछा है आउटपुट पावर तो आउटपुट पावर जो आपका होने वाला है वो कितना हो जाएगा आउटपुट पावर का फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था वो किया था आई स्क्वायर डीसी इन टू आर एल ठीक है तो आई डी सी ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं IDC का IDC था आपका 62.2 डिवाइडेड बाय 1050 पाई ठीक है तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 62.2 डिवाइडेड बाय 1050 पाई का होल स्क्वायर इनटू आरएल दैट मींस 1000 तो ये आंसर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से वॉट में आपका आंसर आ जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपसे पूछा था अफिशियंसी ठीक है तो अफिशियंसी आप चाहें तो डायरेक्टली पी आउट बाय पी इन भी कर सकते हैं या जो आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था वो भी आप यूज कर सकते हैं फोर्टी पॉइंट फाइव आरएल अपॉन आर एफ प्लस आर एल इंटू हंड्रेड परसेंट दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा क्योंकि जो आपने फॉर्मूला भी डिराइव किया था वो पी आउट बाय पी इन करके ही किया था फोर्टी पॉइंट फाइव इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन जीरो फाइव जीरो ठीक है तो यहां से आपकी आ जाएगी अफिशियंसी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो अफिशियंसी है वो फोर्टी पॉइंट फाइव से थोड़ी लेस ही आएगी क्यों क्योंकि वन जीरो फाइव जीरो आपको वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में गिवन है ठीक है और वैसे भी हमने थ्योरी में भी स्टडी किया था कि अगर rf जीरो है तब मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती है हाफ वे रिएक्टिव फार के केस में 40.5 अगर rf नॉन जीरो है तो 40.5 से लेस वैल्यू आपको मिलेगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे यहां पर पूछा हुआ है रिपल फैक्टर तो रिपल फैक्टर एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है रिपल फैक्टर आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिपल फैक्टर यहां पर कितना होगा 1.21 ही होगा ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ठीक है तो हमेशा आंसर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का 1.21 ही होने वाला है नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 11 तो पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा है पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज और पॉइंट नंबर 12 में पूछा है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ठीक है तो पीआईवी का जो फॉर्मुला हम लोगों ने स्टडी किया था वो किया था वीएम ठीक है वो क्या था आपका डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है वो क्या था आपका वी तो उसकी वैल्यू फिक्स है आपकी वी पर तो वी आप देख सकते हैं वीएम ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो वी जो आपने कैलकुलेट किया था वो था सिक्सटी टू पॉइंट टू तो यहां पर आप लिख सकते हैं पी आई वी 62.2 वोल्ट्स, वोल्ट क्लियर नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है टी यू एफ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है थ्योरी में आप देख सकते हैं फॉर्मूला 0.286 पॉइंट टू एट सिक्स आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल ठीक है तो यहां पर जवाब वैल्यूज पुट कर देंगे तो पॉइंट टू एट सिक्स इंटू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फिफ्टी प्लस वन थाउजेंड तो टी यू एफ का जो आंसर है आपका 0.286 इन टू वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन जीरो फाइव जीरो तो आपको फिर से क्लियर होगा कि यहां पर जो टी यू एफ है आपका वो 0.286 से थोड़ा लेस ही आएगा ठीक है ना क्योंकि डिवाइड में आपका वन जीरो है और मल्टीप्लाई में क्या है क्लियर क्लियर तो ये आपका एक क्वेश्चन था हाफ ईयर रिएक्टिव फायर के ऊपर आई होप आपको होगा. आपको होगा बस थ्योरी रिवाइज कर लेनी है क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस टॉपिक में से ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं थैंक यू